तुमच्या प्रत्येक क्षणांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी पहा फक्त एनसीएन न्यूज। आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। पेठ तालुक्यातील जोगमोडी येथे जीवनज्योत सामाजिक सेवा संस्था आयोजित अनुदानित आश्रमशाळेचे भूमिपूजन तसेच तब्बल 1100 मुलींच्या लग्नासाठी कन्या सहाय्य योजना मुदत ठेव पावती वाटपाच्या भव्य सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं। या भव्य सोहळ्याच्या प्रमुख पाहुण्या जीवनज्योत सामाजिक सेवा संस्थेच्या अध्यक्षा करुणा धनंजय मुंडे यांचं पारंपरिक आदिवासी नृत्यानं मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं। सर्व उपस्थित प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते या सोहळ्याचं दीप प्रज्वलन करत तसेच राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून सुरुवात झाली। या भव्य सोहळ्याप्रसंगी व्यासपीठावर आदिवासी विकास मंत्रालयाचे माजी उपसचिव कैलास भंडलकर, धात्रक फाउंडेशनचे अध्यक्ष मुरलीधर धात्रक, भाऊसाहेब शिंदे, सुरेखा पाटील, सविता धात्रक, राजू वाघमारे, धनराज भोये, नंदू वराडे, संदीप जाधव, अजिम पठाण, पूनम गवळी, योगेश लांडगे, रामदास गवळी, सरपंच चौधरी मॅडम, हबप देशमुख महाराज, वाघमारे मॅडम, साहेबराव मुर्तडक, बिरसा मुंडा, क्रांती दलाचे सुनील खराटे आदी मान्यवर उपस्थित होते। सर्व प्रमुख मान्यवरांचं यावेळी आयोजकांच्या वतीनं शाल पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत सत्कार करण्यात आला तसेच उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अनेक मान्यवरांचाही सन्मान चिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला। धात्रक फाउंडेशनचे अध्यक्ष मुरलीधर धात्रक यांनी या प्रसंगी आपले मनोगत व्यक्त केले। आश्रमशाळा ही नागपूरहून मी नाशिकला शिफ्ट करतोय, नाशिक जिल्ह्यामध्ये जे पेठ तालुक्यामध्ये काही गोष्टीच्या अडचणीच्या जे आहेत सर्वांनी एवढी साथ दिलेली असून त्यांचे मी माझ्या संस्थेमार्फत व करुणाताईच्या संस्थेमार्फत करुणाताईच्या संस्थेमार्फत 1100 मुलींना जी मुदत ठेव पावती ती आज इथं वितरण करण्यात येत आहे। त्यासाठी सर्वांनी जमलेले यांना हार्दिक शुभेच्छा व त्यांनी ज्या मुलींची निवड झाली असेल त्यांचे बी हार्दिक अभिनंदन। तब्बल 1100 मुलींच्या लग्नासाठी कन्या सहाय्य मुदत ठेव पावतीचं प्रातिनिधिक स्वरूपात 11 मुलींना मान्यवरांच्या हस्ते वाटपही करण्यात आलं। इतर राहिलेल्या मुलींच्या घरी संस्थेच्या वतीनं घरोघरी वाटप करणार असल्याचं यावेळी सांगितलं। या सोहळ्याच्या प्रमुख पाहुण्या जीवनज्योत सामाजिक सेवा संस्थेच्या अध्यक्षा करुणा मुंडे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले। बहन यहाँ पे उपस्थित हैं इतनी गर्मी में, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और अभिवंदन करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए इतनी भारी तादाद में। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोगों के सामने कभी मैं आऊँगी या उनके लिए कुछ करने का मुझे मौका मिलेगा। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज का दिन जो है वो साधारण दिन नहीं है। आपको पता है आज कौन सा दिन है? आज ज्योतिबा फूले जी का स्मृति दिवस है। ज्योतिबा फूले जी वो शख्सियत थे हमारे महाराष्ट्र राज्य की जिनको बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भी अपना गुरु बनाया। और ज्योतिबा फूले जी इतने महान थे, वो महान क्यों कहलाए आपको पता है? अधिकतर यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत भारी तादाद में यहाँ पे महिलाएं हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ पे महिलाएं हैं क्योंकि मैं महिलाओं के लिए बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही हूँ। अभी मेरी जो जीवन ज्योति सामाजिक सेवा संस्था है, हमारी संस्था का नाम भी इसलिए हमने जीवन ज्योति रखा है क्योंकि ज्योतिबा फूले भी महिलाओं के ऊपर ही काम करते थे। और ज्योतिबा फूले जी जो थे उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की थी, उन्होंने महिलाओं के शिक्षित होने की बात की थी। आपको पता होगा कि पहले महिलाओं का शिक्षण कहीं भी पूरे भारत में बंद था, कोई महिलाएं शिक्षाएं ग्रहण करने नहीं जाती थी, उनको दबा के रखा जाता था। पर ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी के माध्यम से उनको बाहर निकाला
बाहर की जो महिलाएं हैं घर में बंद हैं, अशिक्षित हैं, उनको शिक्षित करने के लिए बाहर निकाला, जिनका आज स्मृति दिवस है, तो मैं उनको उनके लिए भी परमात्मा शिव बाबा से दिल से प्रार्थना करूंगी कि उनकी आत्मा जहां भी हो सुख शांति उनको प्रदान हो। और मैं यहां पे बैठी हुई जितनी भी महिलाएं हैं उनसे हाथ जोड़ के उनके पैर पड़ के निवेदन जरूर करूंगी, जो माँ हैं उनसे भी और जो बच्चियां हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग शिक्षा जरूर ग्रहण कीजिए, शिक्षित बनिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी ढाल है जो कोई हमसे नहीं छीन सकता, और यदि आप शिक्षित हैं तो आप कहीं भी जंग जीत सकते हैं। या नाविन्यपूर्ण सोहळ्याचं सूत्रसंचालन राजू वाघमारे व वैशालीताई नाठी यांनी केलं। जीवनज्योत सामाजिक संस्थेच्या आश्रमशाळा भूमिपूजन व कन्या सहाय्य पावती वाटपाच्या भव्य सोहळ्याप्रसंगी जोगमोडी परिसरातील नागरिक महिला व मुली हजारोच्या संख्येनं उपस्थित होत्या। यांच्यासाठी प्रतिनिधी सुनील पगारे, सातपूर।